नमस्कार, papamummykitchen.com में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इतना सिंपल चॉकलेट केक बनाना बता रहे हैं, जो कि बनने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। सुबह आप अपने बच्चों को टिफिन में भी डाल सकते हैं और जब भी छोटी मोटी पार्टी हो तो उसमें भी सर्व कर सकते हैं। तो आइए चॉकलेट केक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो हमने ड्राई सामग्री ली है उसको एक बार छान लेते हैं। छानने के लिए हमने छलनी ली है, उसके अंदर एक कप हमने मैदा लिया है। मैदे को छान लेते हैं। इसी के साथ हमने आधा कप पिसी हुई शक्कर ली है। शक्कर को मिक्सर में डाल के हमने पीस लिया था और ये पिसी हुई शक्कर है, और इसको एक बार छान लेते हैं, जो कि इसके अंदर बड़े पीस रह गए हो कोई भी तो बाहर निकल जाते हैं। इसी के साथ हमने क्वार्टर कप कोको पाउडर लिया है, इसको भी इसमें ही छान लेते हैं। एक चम्मच हमने बेकिंग पाउडर लिया है, इसको भी इसमें डाल देते हैं, और क्वार्टर चम्मच हमने बेकिंग सोडा लिया है, इसको भी डाल दें। सभी सामग्री को हमने छान लिया। छानने से जो भी गांठें रह जाती है पीछे, लम्स वगैरह है, वो निकल जाते हैं और बैटर हमारा जो है बनाने वाला वो स्मूथ रहेगा। फिर अभी सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं एक बार। अभी हमने क्वार्टर कप तेल लिया है, आप कोई भी ब्रांड का तेल ले सकते हैं, नहीं तो बटर भी ले सकते हैं। क्वार्टर कप लिया है, इसको भी हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं और इसको भी अच्छे से हिला देते हैं इसके अंदर। अभी हमने एक कप दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें डालेंगे हम और इसको अच्छे से हिला लेंगे। थोड़ा दूध और हमें डालना पड़ेगा और इसमें अभी हम एक पिंच इतना नमक डाल देते हैं। एक पिंच नमक हमने लिया है, वो भी डाल देते हैं और इसी के साथ मिक्स कर देते हैं। जब कोई स्वीट चीज़ बनाते हैं उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो उसका मिठास और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी हमारे ये बैटर अच्छे से बन के तैयार हो गया है। हमारे को इसी तरह का गाढ़ा बैटर चाहिए। अभी इसमें हम एक चम्मच विनेगर लिया है, एक चम्मच विनेगर है, इसको भी लास्ट में इसमें डालते हैं और इसको भी इसमें हिला देते हैं। इसके डालते ही जो बैटर है एकदम से फ्लफी हो जाता है। विनेगर जब डालते हैं तो बैटर एकदम से हल्का हो जाता है। यदि आपको पसंद हो तो आप वेनिला एसेंस भी इसमें डाल सकते हैं। हमने एक कप मिल्क लिया था, उसमें से हमारे को क्वार्टर कप मिल्क लगभग बच गया पीछे। केक को पकाने के लिए हमने अपम मेकर लिया है, इसके अंदर सभी होल्स के अंदर हम तेल लगा देते हैं। थोड़ा थोड़ा तेल लगा देंगे। अभी जो केक का बैटर है वो थोड़ा थोड़ा करके सभी में डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे सब में पहले। अभी सभी में एक एक चॉकलेट पीस है डाल देते हैं। अभी उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा बैटर और डाल देंगे। उतना ही बैटर डालना जितना ये चॉकलेट ढक जाए। एक्स्ट्रा बैटर लग गया इधर साइड में, उसको भी इसके अंदर लगा देते हैं। अभी इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और स्लो और मीडियम के आंच में, मतलब बहुत धीरे आंच में, लगभग 180 डिग्री पे हम इसको पकाएंगे। अभी लगभग हमारे 6 मिनट हो गए हैं रखे हुए, इसको खोल के एक बार देख लेते हैं। देखिए अच्छे से ऊपर से सूखे हो गए हैं। अभी इनको एक बार पलट देते हैं। देखिए आराम से पलटे जा रहे हैं। जब नीचे से अच्छा पक जाता है तो ऊपर से भी लगभग ये सूखे हो जाते हैं।
सभी को हमने पलट दिया है अभी, इसको 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। वापस ढक्कन लगा देते हैं। अभी एक बार खोल के देख लेते हैं, 5 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। देखिए अंदर तक पक गए हैं, टूथपिक है क्लीन निकली है और अच्छे से पक के तैयार हो गए। इसी तरह से हमारे को देखना है, सभी में चाहिए आप एक दो में और देख सकते हैं ऐसे डाल करके, ये सभी क्लीन निकले, मतलब सभी अच्छे से पक गए हैं। अभी इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे, सभी को एक एक करके हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं कितना अच्छा शेप में आया है, दिखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी उतने ही टेस्टी होंगे। ये अप्पम केक बहुत ही अच्छे बनते हैं, इसके अंदर हमने चॉकलेट भर के बनाए हैं। आप चाहे तो चोको चिप्स भी डाल के बना सकते हैं, या बिस्किट वगैरह डाल के बनाना हो तो वैसे भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको बच्चों को पसंद हो, या ड्राई फ्रूट्स डाल के किशमिश वगैरह डाल के बना सकते हैं, वो भी अच्छे लगेंगे। अभी मैं आपको ये गरम गरम ही काट के दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे बने, बहुत सॉफ्ट बने हैं। देखिए अंदर इनके चॉकलेट पिघल गई है पूरी, और दिखने में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो बच्चे इस तरह से चॉकलेट पिघली हुई खाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। इस तरह हम जो पीछे बचे हुए हैं उसको भी बना के तैयार कर लेंगे। जैसा कि आपने देखा कि चॉकलेट केक बनाना कितना आसान है, इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि जब ये केक बनाएं तो उसकी आँच हमेशा स्लो और मीडियम के बीच में रखें, ज़्यादा तेज आँच पर नहीं बनाएं, तेज आँच पर बनाएगा तो जल जाएगा। तो ये जैसे हमने बताया कि लगभग 180 डिग्री तक या एकदम स्लो और मीडियम के बीच में रख के बनाना है। इस टेम्परेचर पर लगभग 12 से 15 मिनट में ये केक बन के आसानी से तैयार हो जाता है। तो 5 मिनट बैटर बनाने में लगते हैं और 12 से 15 मिनट इसको पकने में लगते हैं। तो 15-20 मिनट में ये केक बन के तैयार हो जाता है, तो आप इसे जल्दी से सर्व कर सकते हैं। तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। ये हमारी रेसिपी कैसे लगी नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएँ। इसी तरह की अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।